दोस्तों क्या एफिलिएट मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है, दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हे गाइस, दिस इज हेमानंद सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है संडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ संडे क्यू एंड ए वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वही कमेंट्स पिक करता हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज मैंने बिल्कुल वही कमेंट्स पिक किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट कमेंट्स कौन से हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम 43 आपसे जाए उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे से इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो बिना लेट किए हुए हम लोग पहला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। जो पहला कमेंट आया हुआ है प्रशांत भगत की तरफ से, इनका कहना ये है, वेरी नाइस वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 67K लव यू सेप शॉप। तो मैं इनको भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे वीडियोस को देखते हैं और इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है, तो इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। और अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार रहे तो मैं बहुत ही जल्द 100K तक भी पहुंचने वाला हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं 1,00,000 सब्सक्राइबर तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं। बस इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। अब मैं आता हूं नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है ई पोर्ट गेमर के तरफ से, इनका कहना यह है, सर जी ऑल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाओ जिससे आपके सब्सक्राइबर बढ़े। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं सभी नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां हैं, अगर मुझे लगता है कि मुझे वहाँ का वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर से बनाता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे मैं अधिकतर वीडियो बनाया करता हूँ और मेरा जो कंटेंट है वो ज़्यादातर इंटरव्यू पे भी फोकस मेरा रहता है। तो आपका बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं सभी कंपनी को फोकस करूँगा तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ेंगे। और आपने कमेंट किया, मुझे सजेशन दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है चक्रो बनरा के तरफ से, इनका कहना यह है, 50 BB से काम करने से नुकसान क्या होती है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, आपको 50 BB से सिप शॉप के अंदर काम करने में नुकसान यही है कि सिर्फ आपको यहाँ पे बाइनरी इनकम दिया जाएगा, अदरवाइज आपको सिप शॉप का जितना भी यहाँ पे बेनिफिट्स है वो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे 100 BB से ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर आप 50 BB से करेंगे तो सिर्फ आपको बाइनरी वाला इनकम मिलेगा, अदरवाइज नेक्स्ट इनकम आपको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। वो तभी मिलेगा जब आप 100 BB कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे आपसे बात करना है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनसे बात नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं कमेंट्स पे कितने लोगों को रिप्लाई दूंगा आप लोगों को पता ही है। लेकिन दोस्तों मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक हमारा लिंक है व्हाट्सएप का, आप उसमें जाइए और क्लिक करिए, आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करिए। दोस्तों अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट को। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है MD कासिम खान के तरफ से, इनका कहना ये है, सर फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए सेप शॉप कंपनी में। दोस्तों कितना पैसा चाहिए ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो BB पे डिपेंड करता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जिस प्रोडक्ट का जैसा वैल्यू है, जैसे आप यहाँ से एक कोई सूट लेंथ खरीदते हैं तो उसका अलग प्राइस है, उसका अलग BB का जो वैल्यू है वो अलग है। तो इसमें अनुमान लगाना ये मुश्किल है कि भैया आपको कितना पैसा लगेगा यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक समझने के लिए बताना चाहता कि आपका अगर आप 100 BB यहां पे खरीदना चाहते हैं तो अराउंड वो 6,000-7,000, 8,000, 10,000 भी जा सकता है, 15,000 भी जा सकता है, प्रोडक्ट के हिसाब से ये मैटर करता है। तो इसका आंसर यही है। दोस्तों अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कमेंट की। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है संगीता कच्छप की तरफ से, इनका कहना यह है, इसमें आने के लिए क्या करते हैं प्लीज बताइए। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, इसमें आने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई अगर लीडर है सीप शॉप का लीडर, तो आप उनसे बात करिए, उनसे प्लान देखिए और इसका प्रोसेस क्या है वो समझिए और उन्हीं के साथ आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर वो लीडर अच्छा है तो। अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है या फिर ज़्यादा यहाँ पे कोई मेहनत भी करना नहीं होता है। आप यहाँ पे सिंपली तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, काम करने में मेहनत लगता है लेकिन ज्वाइनिंग करने में कोई भी मेहनत नहीं लगता। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट कमेंट करो। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है ऑफिशियल अब्दुल रजाक की तरफ से, इनका कहना यह है, सेप शॉप अपना इनकम प्लान कब चेंज कर रही है सर जी। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सेप शॉप ने अपना इनकम प्लान जो है वो चेंज तो किया है लेकिन बहुत सारे लोगों को उसमें
अच्छा नहीं लगा है, बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है और बहुत सारे लोग कंफर्टेबल भी हैं और लोग काम भी कर रहे हैं। तो देखिए अब कब अपना सिस्टम को चेंज करती है इसके बारे में तो अभी फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की ओर। जो नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है ये आया हुआ है मनु कुमार की तरफ से। इनका कहना ये है, सर ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में क्या फर्क है। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो कहीं ना कहीं पिरामिड वाला जो स्ट्रक्चर है उसी को थोड़ा सा यूज करती है। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि अगर कुल मिला के कहा जाए तो सभी नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्ट्रक्चर को यूज करती है, यानी कि एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है तो वो लोग ऐसा करेगी, एक के बाद दस लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हैं, दस के बाद बीस आएंगे, बीस के बाद चालीस, ऐसे 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 मतलब सिस्टम बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो सीधा सीधे सिस्टम होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, सीधा सीधे सिस्टम होता है कि अगर भाई आप 100 लोगों को लाते हैं तो 100 लोगों का जो डायरेक्ट इनकम है वो आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि कमीशन, जिसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी कंपनी में पैसिव इनकम भी रखा जाता है, लेकिन वो वहीं तक रखा जाता है जहां तक वो उतना पैसा को वो बांट सकती है, ना कि वो हवा में कहे कि आप इधर इतने लोगों को लाएंगे तो इतना बनेगा, आपको यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलेगा। तो वैसा कुछ नहीं होता है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्लियर कट होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है सुहेल खान की तरफ से। इनका कहना ये है, सर एफिलिएट मार्केटिंग क्या पिरामिड स्कीम है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग जो काम करती है वो पूरी लीगल तरीके से काम करती है और ये कोई भी पिरामिड स्कीम नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नज़र में क्लियर कट तरीके से काम करती है, ना कि ये लोगों को कंफ्यूज करती है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कमेंट की ओर। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है राजकुमार वर्मा की तरफ से। इनका कहना ये है, सर क्या नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम नहीं है। पिरामिड स्कीम हम लोग उसे कहेंगे जो कि स्ट्रक्चर को यूज करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो पिरामिड स्कीम नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो काम करने का तरीका यूज होता है उसे हम लोग पिरामिड स्ट्रक्चर कहते हैं। वो जब हटा देगी कंपनी तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा डाउट था और उनको कहीं ना कहीं वो डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन दोस्तों हमारा संडे Q&A के माध्यम से उनका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है और उनके साथ साथ आप लोगों का भी डाउट क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम सिर्फ 43 आपसे जाए उसे फॉलो करें। गाइस अगर चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।